हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेकर आ गई हूँ, वो भी सिर्फ एक क्लचर की मदद से। तो कैसे बनाना है सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। कल मैंने डाला था सिंपल मेकअप लुक, तो अगर आप सिंपल मेकअप लुक देखना चाहते हो कैसे करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बारीकी से बताया हुआ है। तो कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिएगा। मेरी ब्लॉग वीडियोज देखने के लिए मेरा सेकंड चैनल है प्रीत तिवारी टू, जिसपे मैं ब्लॉग वीडियोज डालते रहती हूँ। तो प्लीज उस चैनल पे भी जाइए और चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। आपको फ्रंट से कोई हेयर स्टाइल रखना है तो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे फ्रंट से कोई हेयर स्टाइल नहीं रख लूँ, सिंपल बना रही हूँ। फ्रंट के भी बहुत सारे हेयर स्टाइल हैं मेरे चैनल पे अवेलेबल, तो अगर आपको चाहिए फ्रंट का हेयर स्टाइल कोई अच्छा सा तो आप देख के ले लीजिएगा। बस मैं यहाँ पे सिर्फ एक क्लचर की मदद, आपके पास एक क्लचर है और आप हेयर स्टाइल बनाना चाहते हो बस क्लचर की मदद से, तो ये हेयर स्टाइल आप बना सकते हो इजिली। तो इस तरीके से काम कर लिया है। बालों में बहुत ज्यादा गुलाल अभी है जिस, तो आज मैंने वॉश नहीं किया। आज बृहस्पतिवार है तो हम लोग यहाँ पे हेयर वॉश नहीं करते हैं। तो आज मैं अभी इसी वीडियो में आपको हेयर मसाज का भी, हेड स्कैल्प मसाज की रिक्वेस्ट आ रही थी तो वो भी करके दिखाऊंगी। तो अभी मैं हेयर स्टाइल बता दूँ आपको, इस तरीके से पोनी बना लेना है, देन सिंपल तरीके से पोनी को रबर बैंड के ऊपर ऐसे लगा देना है। ओके, इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़े वाले क्लचर की जरूरत पड़ेगी। देन हेयर को नीचे की तरफ इस तरीके से गिरा लेना है। उसके बाद आपको एक पतले वाले रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी। मेरा बॉक्स किधर है, पिन वाले? तो इसमें मैंने सारे अपने यूपिन्स वगैरह रखे हुए हैं। अब मैं इसमें से एक पतला वाला रबर बैंड लूंगी। और थोड़ा इस तरीके से एक साथ लेके, क्योंकि अगर दूर दूर करके पहले ही सेट करके बनाते हैं तो जो हमारा बीच का क्लचर है वो दिखने लग जाता है, इसलिए इस तरीके से लेके और रबर बैंड को लगा देंगे। रबर बैंड को लगाने के बाद से सिंपली इसको टू पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे एंड अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ओके, फोल्ड करने के बाद आप चाहो तो क्लचर को ही इस तरीके से ओपन करके इसके अंदर इसको दबा सकते हो। तो मैंने इस तरीके से क्लचर को ओपन करके दबा दिया है एंड दोबारा से क्लचर को हाइड कर दिया है। अब यहाँ पे साइड के हेयर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ऊपर इस तरीके से करके यू पिन की मदद से सिक्योर कर देंगे। अच्छे से पहले एक साइड का हेयर ऐसे लेके आएंगे एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। अब दूसरी साइड के हेयर को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ एंड यू पिन से सिक्योर कर देंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए आप कोई फ्लावर यू पिन या फिर हेयर डेकोरेटिंग पिन जो आती हैं वो यूज कर सकते हो। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा बन, वो भी सिर्फ एक क्लचर की मदद से। यहाँ पे सेंटर में आपको एक इस तरीके का फ्लावर यूपिन लगा दीजिएगा, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो ये हेयर स्टाइल की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और भी इस तरीके की वीडियो देखने के लिए। फ्रंट से आपको इस तरीके से खींचना है, थोड़ा सा खींच के जो आपका क्राउन एरिया का हेयर है उसको थोड़ा सा जैसे फ्लैट ना दिखे उसके लिए खींच लीजिएगा। बस दैट्स इट। आप इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, जींस टॉप के साथ, किसी के साथ भी बना सकते हो, वो भी सिर्फ एक क्लचर की मदद से। तो चलिए हेयर को ओपन करते हैं एंड हेड मसाज करते हैं एंड आपको बताते हैं कि कौन कौन सा मैं ऑयल यूज करती हूँ अपने बालों के लिए एंड हेयर फॉल हो रहा है तो क्या करना चाहिए, सारी डिटेल आपको यहाँ पे दूंगी मैं। तो हेयर को ओपन कर लिया मैंने, यू पिंस निकाल दी है। सॉरी, मेरा पिन गिर गया, वो दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, और रबर बैंड में मेरे हेयर बुरी तरीके से फंस गए थे बट निकल गए। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी ये
सरसों का तेल है नवरत्न के डिब्बे में रखा हुआ है, नवरत्न तेल के डिब्बे में, तो इसको मैं पूरे अपने स्कैल्प पे लगाऊंगी। एंड स्कैल्प मसाज आपको बता देती हूँ मैं, इस तरीके से आप करोगे तो जो आपका हेयर फॉल है वो भी कंट्रोल होगा और आपके बालों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो इसमें विटामिन ई की 2 कैप्सूल ऐड कर लेना, विटामिन ई की कैप्सूल डाल के उसको इस तरीके से बालों में लगाना है। सरसों के तेल या फिर नारियल के तेल, जिस जो भी तेल आपको सूट करता है उसके अंदर मिला के अच्छे से बालों की जड़ों में, जैसे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऐसे ही आपको भी लगाना है। और जब भी आप ऑयल लगाते हो तो बालों को, ऑयल को हल्का सा गुनगुना कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरी माइक ऑफ हो गई थी तो मैं अभी बता दे रही हूँ आप लोगों को, तो हल्का सा तेल को गुनगुना करना है, उसके बाद अपने स्कैल्प पे जड़ों पे अच्छे से लगाना है एंड मसाज करना है। तो ऐसे आप मसाज करते हो तो आपकी हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। एंड जब आप ऑयल को गर्म कर रहे हो तभी विटामिन ई की कैप्सूल उसमें डाल दीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, फिर बालों की जड़ों में लगा के अच्छे से मसाज करना है। पूरा नाइट रात में लगाइए और सुबह वॉश करना है। अगर आप रात में नहीं लगा सकते हैं तो आप दिन में लगा के 2 घंटे कम से कम तेल को अपने बालों में छोड़ना है, तभी अपना असर दिखाएगा। और जब भी आप वॉश करते हो तो आपको अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वॉश करते टाइम ग्लिसरीन 1 से 2 चम्मच अपने शैम्पू में ऐड करना है और बालों की जड़ों में अच्छे से शैम्पू झाग बन जाए, और मसाज करना है पूरा स्कैल्प की जो गंदगी होती है उसको अच्छे से रिमूव करना है रगड़ के। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे से स्कैल्प को मसाज करोगे तो आपका जो हेयर फॉल है और बढ़ जाएगा, ऐसा सिर्फ मतलब कहने के लिए है। बट अच्छे से मसाज कीजिए, बालों की गंदगी को अच्छे से साफ़ कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार आप वॉश कीजिए बालों को शैम्पू से और आपका जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा ये सिर्फ। और जब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप कंडीशनर कंडीशनर और सीरम स्किप कर दीजिए थोड़े दिन के लिए, जब तक आपके बालों का हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो जाता है। क्योंकि हेयर कंडीशनर और सीरम अप्लाई करने से बाल तो थोड़े टाइम के लिए अच्छे दिखते हैं बट हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये मेरा आजमाया हुआ टिप्स है, मैं खुद खुद भी अप्लाई करती हूँ जब भी हेयर फॉल के वो सॉरी सीरम और कंडीशनर, तो कुछ टाइम के बाद मेरे वह हेयर फॉल होने लग जाते हैं, 1-2 बाल ऐसे निकलने लग जाते हैं। तो आप इसको स्किप कीजिए अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो। और अच्छे जब भी आप हेयर फॉल के लिए कोई शैम्पू ढूंढ रहे हो तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू ही यूज कीजिए। एंटी डेंड्रफ शैम्पू बालों की स्कैल्प को अच्छे से साफ़ करता है, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प साफ होने की वजह से आपके बालों की ग्रोथ भी होती है और जो रोम छिद्र बंद हो गए रहते हैं वो भी ओपन होते हैं और आपके नए हेयर भी ओपन होने लगते हैं। शैम्पू को लगा के इस तरीके से मसाज करना है जैसे मैंने अभी बालों में किया, और इस तरीके से करके पूरा झाग बनाना है। 1 से 2 मिनट तक शैम्पू को बालों में ही छोड़ देना है, उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए और बालों को पोंछने के लिए टॉवल वगैरह बालों पे लपेट के छोड़ दीजिए जब तक उसका पानी अच्छे से निकल नहीं जाता है। उसके बाद नॉर्मल एयर पे सूखने दीजिए बालों को, नॉर्मल एयर पे सूखने दीजिए, ज़्यादा हेयर ड्रायर वगैरह का यूज नहीं करना है। तो घर पे मैं इस तरीके से सॉरी ऑयल लगाती हूँ तो मैं इस तरीके से बालों को मैनेज करती हूँ सिंपल इस तरीके से। अभी मैंने जो हेयर स्टाइल बताया वो दूसरे क्लचर से था बट अभी मैं ये वाला क्लचर, ये मीडियम साइज़ वाला क्लचर मैं एनी मतलब एवरीडे मतलब डेली यूज में यूज़ करती हूँ। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक क्लचर की मदद से आप इतना खूबसूरत सा हेयर स्टाइल भी बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट कर दीजिए। मैंने बंद हो आपके गया, मैं पता इतनी देर किया से भाई बोले जा रही हूँ था। बट माइक थैंक्स बंद फॉर हो वाचिंग, चुका। लव यू ऑल, थैंक्स टेक फॉर केयर, वाचिंग, बाय। बाय बाय।